नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, बिजली विभाग राजस्थान की हेल्पर टू भर्ती का जो आज का 1 जनवरी 2019 का पहले शिफ्ट का पेपर में क्या कुछ पूछा गया था, तो पूरा पेपर सबसे ज़्यादा सवाल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और दोस्तों, आप सभी सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका पेपर अच्छा जाए और आप इस साल कामयाब हों, ऐसी मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए करता हूं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले पेपर स्कीम की 1 जनवरी 2019। दोस्तों, पेपर स्कीम के बारे में मैं बता दूं कि वही यहां पर सेम सी कंडीशंस है, वही हिंदी में 30, अंग्रेजी में 10 से 12, जीके में 30, इसके अलावा मैथ्स में 10-12 सवाल, और साइंस का भी यही हाल है, करंट में पूछा जा रहा है 4 या 5 सवाल। ठीक है, तो पेपर की स्कीम की मैं बात करूं तो सब लगभग यहां पर सेम सी स्कीम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं आया है अब तक की एग्जाम्स में। दोस्तों, आज एक सवाल पूछा गया था करंट से रिलेटेड, राजस्थान के मुख्य सचिव, ठीक है, राजस्थान के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी, तो चीफ सेक्रेटरी कौन है? डी बी गुप्ता। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी बी गुप्ता चीफ सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक सवाल और पूछा गया था डिप्टी सीएम ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, तो उप मुख्यमंत्री के बारे में मैं बता दूं दोस्तों, उप मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पे? सचिन पायलट। ठीक है, उप मुख्यमंत्री हैं वर्तमान राजस्थान सरकार में सचिन पायलट, और PCC प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं ये। अब दोस्तों, एक सवाल और पूछा गया था आपसे, साइंस से रिलेटेड सवाल था, मोबाइल फ़ोन जो आप सेल फोन यूज करते हैं उसका आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों, मोबाइल फ़ोन के बारे में बता दूं कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने, ये आपका राइट आंसर हो जाए, मार्टिन कूपर मोबाइल फ़ोन्स के जनक। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। एक और सवाल यहाँ पर दोस्तों पूछा गया था, साइंस से रिलेटेड था, क्लोरोफॉर्म यानी कि CCl4 के मतलब उसका उपयोग पूछा गया था, तो CCl4 क्लोरोफॉर्म के बारे में भी बता दूं दोस्तों, ये बेहोश करने के काम आती है। ठीक है, और बाज़ार में प्रतिबंधित दवाई है, आपको कोई भी देगा भी नहीं, तो ये ट्राई ना करें, ये बेहोश करने के आते हैं, जो चोरी वगैरह लोग करते हैं वो इस चीज़ का उपयोग करते हैं, बेहोश करने के काम आती है क्लोरोफॉर्म। ठीक है दोस्तों, एक और सवाल पूछा गया था सिस्मोग्राफ क्या काम आता है? भूकंप मापी यंत्र है। ठीक है, तो ये सवाल ही पूछा जाता है, भूकंप मापने के कौन सा यंत्र काम आता है? सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ का आविष्कार पूछा था, तो सिस्मोग्राफ का आविष्कार दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिस्मोग्राफ का आविष्कार किया था जापान के जॉन मिलगन ने। ठीक है, जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं फिलहाल में, और वहीं के वैज्ञानिक द्वारा ये खोजा गया था, जॉन मिलगन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, एक सवाल राजस्थान जीके से रिलेटेड था, लाल मिर्च के बारे में पूछा गया था, कहाँ की प्रसिद्ध है लाल मिर्च? तो जोधपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर भारत में पूछा जाए तो महाराष्ट्र स्टेट की लाल मिर्च बेहद प्रसिद्ध है पूरे देश में, महाराष्ट्र की। ठीक है, तो ये इसका राइट हो जाएगा। एक और दोस्तों यहाँ पर उधार का विलोम शब्द पूछा गया था हिंदी में, उधार का मतलब यहाँ पे नगद हो जाएगा इसका विलोम। ठीक है, अब जिसका कोई आकार ना हो, तो इसके बारे में पूछा गया था वन वर्ड में। ठीक है, तो ये पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों, दो और सवाल यहाँ पर हिंदी में थे, रात का पर्यायवाची पूछा गया था, रात का आप नीचा कर सकते हैं, रजनी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके ऑप्शन में था ओपनिंग कर दिया होगा। इसके अलावा भोरा, ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? आली। ठीक है, आली यानी भोरा। ठीक है, जो फूलों पर बैठता है वो भोरा का यहाँ पर पर्यायवाची पूछा था। एक सवाल दोस्तों यहाँ पर समय काम से रिलेटेड था कि 20 दिन काम करने में कुछ ऐसे कुछ सवाल था, तो 20 दिन काम करने में कुल कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ऐसे पूछा गया था, कुछ यहाँ पर दिया गया था टाइम वगैरह, और उसके बाद पूछा गया था कि 20 दिन काम करने में कितने व्यक्तियों की ज़रूरत होगी, तो समय काम दूरी से रिलेटेड ये सवाल था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मछली का पर्यायवाची भी पूछा गया था, तो ठीक है, मीन कर सकते हैं या आप जलपरी कर सकते हैं। ठीक है, ये मछली का पर्यायवाची हो जाएगा। अब दोस्तों, एक और सवाल यहाँ पर पूछा गया था कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया था, ठीक है, उस पर छूट भी दी गई थी 20% की। ठीक है, छूट दे करके भी उसने शायद जैसे 10% लाभ कमाया, तो उसके बारे में पूछा गया था। ठीक है,
क्रैमोल लेके आया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूछा गया था मैथ्स में। एक और यहाँ पर दोस्तों सवाल पूछा गया था, काफ़ी अच्छा सवाल था, रोंटजन ने किसका आविष्कार किया था? तो रोंटजन ने किसका आविष्कार किया था दोस्तों? एक्सरेज का, एक्स किरणों का यहाँ पर आविष्कार डब्लू रोंटजन ने किया था। इनका पूरा नाम क्या है? डब्लू रोंटजन, ठीक है। इन्होंने ये आविष्कार किया था आपकी एक्स रे किरणों का, ठीक है। अब एक और पूछा था यहाँ पर दोस्तों, जाखम नदी का उद्गम स्थल। तो जाखम नदी के उद्गम स्थल के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि जाखम नदी का उद्गम स्थल है चित्तौड़गढ़, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ की छोटी सदरी से यहाँ पर निकलती है ये, ठीक है, छोटी सदरी। तो चित्तौड़गढ़ की छोटी सदरी से ये यहाँ का संबंध है जाखम नदी का। अब एक और यहाँ पर दोस्तों हिंदी में सवाल पूछा गया था, आसमान टूट पड़ना यानी कि दुख हो जाना, ठीक है। तो ये इसका राइट हो जाएगा, मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, दुख होना, परेशानी में होना, ये इस तरीके से आसमान टूट, मुसीबतों का आना, तो ये इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों। इंग्लिश में दो सिनेनम्स पूछे गए थे, सिनेनम्स का समानार्थी, ठीक है, समानार्थी पूछे गए थे सिनेनम्स। इसके अलावा दोस्तों एनर्जी की यूनिट, ऊर्जा की इकाई क्या हो जाएगी? जूल, ये सॉरी कैलोरी, ठीक है, ये आपकी एनर्जी की यूनिट हो जाएगी। एक दोस्तों यहाँ पर दिया गया था 43+, यहाँ पर दिया गया था 43y = 4816 इक्वल टू, यहाँ पर एक्स वाई का मान दिया पूछा गया था, ठीक है। तो एक्स वाई का मान आपको बता देना था इसमें। तो दोस्तों ये कुछ सवाल थे। इसके अलावा दोस्तों इंग्लिश में क्या पूछा गया था तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पेसिव पूछे गए थे, नरेशन, सिनेनम्स और अरेंज सेंटेंस, ठीक है। इसके अलावा वन वर्ड भी दिया गया था, ठीक है, ये तो पूछा गया था आज इंग्लिश में। अब दोस्तों आगे मैं आपको बताऊं कि मैथ्स में क्या क्या सवाल था। तो मैथ्स में दोस्तों एवरेज, लाभ हानि, परसेंटेज, इसके अलावा आपका सिंप्लीफिकेशन और समय काम का, ठीक है, समय काम का भी था। तो ये सवाल मैथ्स में पूछे गए थे। इसके अलावा दोस्तों साइंस में आविष्कार के आज भी तीन सवाल थे, ठीक है, तीन से चार सवाल डेली आविष्कार से रिलेटेड आ रहे हैं। अब आविष्कार वाले सवालों में उसने क्या करना कर दिया प्रारंभ, कि वैज्ञानिक का नाम दे देता है। जैसे आज पूछा गया था रोंटजन ने किसका आविष्कार किया, तो वैज्ञानिक का नाम दे देता है और आपसे पूछते हैं कि उन्होंने किसका आविष्कार किया। तो ये एक दो दिन से ये भी स्टार्ट हो गया है, इस तरीके वैज्ञानिक का नाम देकर उसकी खोज पूछी जा रही है। तो ये भी आप याद करके जाएं, उल्टे से सीधा पूछ सकता है। अब यहाँ दोस्तों एक और यहाँ पर पूछा गया था, कुछ ऐसा ही सवाल था, कंफर्म नहीं हूँ मैं इस चीज़ के प्रति, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर और जयपुर को मिलाने वाला राजमार्ग कौन सा? ये आप सही मुझे बताएं कि कैसा प्रश्न था, कौन सा प्रश्न था। तो ये राजमार्ग के बारे में भी यहाँ पर दोस्तों आज एक सवाल पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों मैं पेपर की स्कीम की बात करूँ तो आपको देखो हिंदी में तो वही याद करके जाना है जो आप डेली करके जा रहे हैं, ये चीज़ है, वाच्य नहीं छोड़ने हैं आपको, गद्यांश आता है हिंदी में वो भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, तो ये आपको याद करके जाने। इसके अलावा दोस्तों एक और सवाल यहाँ पर दिया गया था, क्यूब से रिलेटेड था मैथ में, क्यूब दिया गया था 43 का क्यूब दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा माइनस ऐसे कुछ था कि 42 का क्यूब, तो इससे रिलेटेड भी सवाल था, क्यूब से रिलेटेड 43 और 42 का क्यूब दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों एक सवाल था CO2 यानी अग्निशामक यंत्र गैस, अग्निशामक गैस बुझाने के काम आती है CO2, से रिलेटेड एक सवाल भी यहाँ पर पूछा गया था, अग्निशामक जो यंत्र है उससे रिलेटेड सवाल पूछा गया था। तो दोस्तों सारे तरीके के जो सवाल थे जो मेरे पास आए थे मैंने आपको बता दिया है। हो सकता है कि इसमें से एक दो सवाल हो सकते हैं जो अभ्यर्थी कमेंट करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, वो गलत बता दें, तो उनके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और आपने अगर एग्ज़ाम आज का दिया है तो आप बिल्कुल जो सवाल आपको याद हो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर आपका अगर सिलेक्शन होगा तो हिंदी और जीके के दम पर होगा, हिंदी और जीके में जितने आप ज़्यादा नंबर लाएंगे वो आपका प्लस पॉइंट होगा। हिंदी और जीके यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, इसलिए हिंदी और जीके में मैं कहूँगा कि आप 50+
यहाँ पर स्कोर करें, अगर 60-62 सवाल आ रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका अगर कोई कमेंट हो, आपका कोई जवाब हो तो मुझे कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में जा करके। और दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।